मिर्ची बॉलीवुड। अच्छा, ये कसम खाई थी क्या कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, शायद इसी के लिए आप भी आ गए हैं साहिल? अब मेरी जो बीवी थी वो किसी और की हो गई शो में, तो अब आना तो था ही ना, कैसे कैसे। बट हाँ, अब संगीता वॉज देयर इन द सेट जब मैं आया, तो ऐसा नहीं था कि मैं एक डिफरेंट सेट पर आया हूँ। तो अब होता ना, नए शो में आते हैं तो यू आर नॉट रियली कम्फर्टेबल बिकॉज आप किसी को नहीं जानते, तो यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ क्रू को जानता था, बहुत लोग स्वामी मान से इस शो में हैं, संगीता थी, सो आई फेल रियली कम्फर्टेबल। कल अंकिता भी आई थी, तो अच्छा लग रहा है इस शो में आकर, और कैरेक्टर के जो प्ले करने में मज़ा आ रहा है वो तो अलग ही है। अच्छा, इसके पहले आपको जब लोग देखते थे तो प्यार भरी नज़रों से देखते थे, अब शायद से शॉकिंग भरी नज़रों से कह सकते हैं कि आँख खुली की खुली रह जाएगी जब अगर ऐसी एंट्री देखेंगी। हाँ, मतलब ऑडियंस कहेगा कि कहेंगे कि मतलब साहिल ये कर रहा है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा ऑडियंस के लिए भी देखने के लिए। एंड आई होप आई डू जस्टिस फॉर माई कैरेक्टर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से ये टेलीकास्ट है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, जो मैंने शूट किया मुझे भी देखना है कि मैंने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया। तो आई लीव इट टू द ऑडियंस आई डिसाइड एंड लेट मी नो, मेरे को जब जो भी मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे ट्विटर पे, तो आई विल लव टू रीड ऑल दोज मैसेजेस, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, लास्टली ये इस एंट्री के बारे में, क्योंकि बहुत धमाकेदार एंट्री तो आपने की है, शायद एंट्री हमेशा धमाकेदार ही होनी चाहिए। मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ एंट्री से, अगर शो में एंट्री हो तो अच्छी हो, तो इस शो में भी एंट्री बहुत अच्छी हुई है, ढोल वोल से एंट्री हुई, और जैसे मैं आया लाइट चली गई, तो इट्स एन इम्पैक्टफुल एंट्री कि हाँ भाई कोई आया है, वही मुझे चाहिए था, तो एंट्री अच्छी हुई है। लेट्स सी जितना शो में मैं रहता हूँ कैसे ट्रैक क्या शेप अप होता है, तो वो तो आगे देखते हैं। आया अगर किसी को ले जाएगा, आया हूँ तो लेकर ही जाऊँगा। थैंक यू सो मच।